जाचाले मेलोडी नामरे नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो पासवर्ड है बीच बीच में वो पासवर्ड आप डाल के ये प्रोजेक्ट फाइल अनलॉक कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल अनलॉक करने के बाद दोस्तों उसमें आप फ़ोटो अपना डाल सकते हो और खुद का स्टेटस बना सकते हो। तो दोस्तों अभी ये वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ YouTube खोल लेना है। YouTube खोलने के बाद आपको सर्च में लिखना है VIP एडिटिंग चैनल, आपको लिख लेना है और चैनल खोल लेना है। तो आप अभी जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो आपको यहाँ खोल लेनी है। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दूसरा कोई वीडियो खोल के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं ये वीडियो पर क्लिक करूँगा, वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ मैं जो प्रोजेक्ट फाइल का लिंक दे दूँगा तो आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। इस तरह लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। बाद में आपको ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है। अभी जो प्रोजेक्ट फाइल है डाउनलोड होने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते। तो दोस्तों जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहां पे प्ले स्टोर में ये ज़काइवर करके एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है और यहां आपको ओपन कर लेनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी फोल्डर है वो सभी फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको जिस भी फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड की हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। ज़्यादातर तो दोस्तों डाउनलोड फोल्डर में ही ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड होती है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट फाइल है डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाल रखी है तो मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर खोल लूँगा और आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी मेलोडीमा 7 जो रार फाइल है वो आपके पास आ जाएगी। तो आपको उस फाइल पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो पासवर्ड बीच बीच में डाला हुआ है वो वीडियो देख के आपको यहाँ डाल लेना है। अभी तो जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ वो एग्ज़ाम्पल के लिए है। जब आप पासवर्ड डालोगे और ओके करोगे तो दोस्तों आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी जीप फाइल मेलोडीमा 7 करके। तो आपको इतना होने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको एक मेन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है नोड वीडियो एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन खुल जाएगी और आपको इंस्टॉल कर लेनी है और एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है लॉड प्रोजेक्ट जीप करके उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। बाद में आपको ये तीन लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है और नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ माय फाइल्स लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में आपको चले जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाओगे तो जो भी फोल्डर है वो सभी फोल्डर
यहाँ पे आ जाएगी आपके मोबाइल में जो भी है। तो दोस्तों यहाँ आपको जो आपके पास जो प्रोजेक्ट फाइल थी, जहाँ आपने जिस फोल्डर में भी एक्सट्रैक्ट की हो, वो फोल्डर आपको खोल लेना है। और आपको जो मेलेडीमा 7 जीप फाइल है वो यहाँ पे टिक कर लेना है और यहाँ डन आपको कर देना है। डन करते ही ये जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ नोर वीडियो एप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगी। बाद में दोस्तों उस प्रोजेक्ट फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है इस तरह। तो नोट वीडियो एप्लीकेशन में लोड होके यहाँ ये प्रोजेक्ट फाइल खुल जाएगी। बाद में आपको एक ग्रुप पर क्लिक कर लेना है। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो दिए गए हैं, जो PNG फ़ोटो है और बैकग्राउंड फ़ोटो दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने नाम भी लिखा हुआ है फ़ोटो का, तो आप फ़ोटो चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये फ़ोटो दिया गया है, उसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेलेडीमा करके, तो आप उस फ़ोटो को चेंज करके अपना फ़ोटो डाल सकते हो या फिर कोई दूसरा भी फ़ोटो यहाँ पे रख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे ये जो सब फ़ोटो दिए गए हैं, ये लोगो दिया गया है, वो आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको हटा सकते हो और अपना स्टेटस बना सकते हो। ये जो लोगो दिया है यहाँ आप देख सकते हो, YouTube का ये लोगो है और ये VIP एडिटिंग करके लिखा हुआ है, जो मेरा लोगो दिया गया है। तो यहाँ लोगो के मैंने नाम लिखे हुए हैं, ये लोगो और टैक्स करके लिखा है, उस फोटो को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि आप ये लोगो दिया गया है उस पर क्लिक करोगे और ये 3 लाइनिंग पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप फ़ोटो डिलीट कर सकते हो, तो फ़ोटो डिलीट हो जाएगा। और ये टेक्स्ट का भी मैं डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। अभी दोस्तों ये जो पूजा का सामान है, ये वाला फ़ोटो है, आप उसको भी डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, ये पूजा आइटम करके लिखा है, उस पर क्लिक करना है और ये इस पर क्लिक करना है 3 लाइनिंग पर, और ये भी फ़ोटो अपने डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे आप फ़ोटो डिलीट कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो दिया गया है वो फ़ोटो को अपने चेंज करेंगे, तो इस फ़ोटो पर क्लिक करना है, फिर 3 लाइनिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और रिप्लेस पर क्लिक कर लेना है। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आ जाए, बाद में आपको इमेज पर क्लिक कर लेना है इस तरह। तो आपके मोबाइल में जो भी फोल्डर है जिसमें फ़ोटो है, वो सभी फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ कोई कटिंग किया हुआ कोई फ़ोटो हो या फिर कोई PNG फ़ोटो आपके पास पड़ा हो, वो फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है और एक फ़ोटो से चेंज कर देना है। तो अभी मैं दूसरा कोई फ़ोटो चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ एक फ़ोटो चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये जो फ़ोटो है वो मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने ये फ़ोटो पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ आप अपने वीडियो के आगे आ जाएंगे जहाँ फ़ोटो आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो ये फ़ोटो चेंज होके आ गया है। दोस्तों ये फ़ोटो चेंज होके आने के बाद आप उस फ़ोटो का नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ जो लिखा है मेलेडीमा करके, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है जो पेंसिल जैसा आकार है वहाँ पे, और यहाँ अपने कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ASD करके नाम लिख दिया है। अभी दोस्तों ये फ़ोटो को अपने आजू बाजू करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से मैं आजू बाजू उसको कर पाऊँगा। तो इसको ऊपर नीचे करूँगा तो ये फ़ोटो आजू बाजू हो जाएगा। बाद में दोस्तों जैसे कि ये फ़ोटो की साइज़ आपको कम ज़्यादा करनी हो, तो इसकी मदद से आप उसको फ़ोटो की साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों इस फ़ोटो को आप ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो इसकी मदद से आप उसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। दोस्तों इतना होने के बाद इस वीडियो में एक सॉन्ग भी दिया गया है, ये जो ये सॉन्ग है, तो उस सॉन्ग को आप चेंज करना चाहते हो तो
तो पहले तो इस सॉन्ग पर क्लिक करना है और ये जो 3 लाइनिंग है उस पर क्लिक कर लेना है और इस सॉन्ग को डिलीट कर देना है आपको। तो सॉन्ग डिलीट हो जाएगा, बाद में आपको नया सॉन्ग ऐड करना है तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको मीडिया में चले जाना है, मीडिया में जाने के बाद लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक कर लेना है। तो एक ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको ये 3 लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है, नीचे चले जाना है और ये जो साउंड पिकर करके लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ जो भी आपके मोबाइल में डाउनलोड सॉन्ग होंगे वो सभी सॉन्ग यहाँ आ जाएंगे। तो आपको यहाँ 30 सेकंड का सॉन्ग लेना है क्योंकि अपना जो वीडियो है वो 30 सेकंड का है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक 30 सेकंड का सॉन्ग एग्ज़ाम्पल के लिए सिलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सॉन्ग सिलेक्ट कर दिया है और सॉन्ग सिलेक्ट होके आ गया है। अभी ये दोस्तों वीडियो सेव करना है, तो वीडियो सेव करने के लिए ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो रिजोल्यूशन है 720p उस पर क्लिक करके 1080p रिजोल्यूशन आपको कर देना है। और यहाँ जो 30 FPS लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है और आपको 60 FPS कर देना है। और जो क्वालिटी है वो हाई है उस पर क्लिक करके आपने जो क्वालिटी है वेरी हाई आपको कर देनी है। इतना सब कुछ होने के बाद आपको एक ग्रीन बटन है उस पर क्लिक कर लेना है। ग्रीन बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ प्रोसेस होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना। जय माता जी दोस्तों।